हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हनी ब्यूटी एंड हेल्थ। एज यू नो, मैं हूँ हनी। आज का वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डार्क अंडर आर्म्स को कैसे लाइट कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डार्क अंडर आर्म्स होने के लिए टू मच एक्सपोज टू द सन एंड स्किन डेड सेल्स की वजह से भी डार्क अंडर आर्म्स होता है। इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कैसा डार्क अंडर आर्म्स को लाइट कैसे करना है। इसको चलिए देखते हैं। वन एंड हाफ स्पून बेसन का पाउडर डाल लीजिए। एंड 3 टेबल स्पून रॉ मिल्क कच्चा दूध ऐड करना है। ये दो चीजों को अच्छे से मिला दीजिए। अभी इसमें एलोवेरा जेल, मैं ये एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ। आप चाहिए तो नॉर्मली फ्रेश एलोवेरा से भी जेल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी ये सब चीजों को अच्छे से मिला दीजिए। मैं इसमें दूध, बेसन पाउडर या एलोवेरा जेल 3 चीज यूज कर रही हूँ। एलोवेरा जेल स्किन डार्कनेस को लाइट करने के लिए एलोवेरा जेल बहुत यूजफुल है। एंड रॉ मिल्क में गुड फैटी एसिड रहेगा। ये अपना स्किन पे डेड सेल्स को हटाने के लिए रॉ मिल्क कच्चा दूध बहुत यूजफुल है। एंड थर्ड चीज़ है बेसन पाउडर। ये बेसन पाउडर स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग करने के लिए एंड साथ ही साथ स्किन के डस्ट रिमूव करने के लिए बेसिंग पाउडर बहुत यूजफुल है। एंड ये सन टैन रिमूव करने के लिए एंड डेड सेल को हटाने के लिए, स्किन पे डार्कनेस को, डलनेस को हटाने के लिए ये बेसिंग पाउडर बहुत यूजफुल है। अभी टैन हो गया है मिक्सिंग। ये मिक्सिंग शवर करने के पहले अंडर आर्म्स के ऊपर लगा लीजिए 10 मिनट्स तक। 10 मिनट्स के बाद शवर कर लीजिए। ऐसा आप 4 to 5 days ट्राई करने से आपका डार्क अंडर आर्म्स लाइट हो जाएगा। ये 100% नेचुरल रेमेडी है, सो घर में जरूर ट्राई कर लीजिए, आपको बहुत अच्छी रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है एंड ये वीडियो आपका फ्रेंड्स के साथ भी शेयर भी कर सकते हो। इस वीडियो को कोई भी कमेंट हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, उसका आंसर मैं जरूर दूंगी। और अभी तक जो भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हनीज ब्यूटी एंड हेल्थ चैनल। और आगे से अच्छे अच्छे वीडियोज लेके फिर मैं आपके सामने आऊंगी। जब तक के लिए बाय बाय।